नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। दोस्तों, गणतंत्र दिवस आ चुका है और गणतंत्र दिवस के मौके पर अगर आपको भी मौका मिलता है कि आपको किसी स्कूल में बुलाया जाता है या फिर आपके अपने ही स्कूल में बुलाया जाता है या कॉलेज में बुलाया जाता है और मंच पर अगर आपको कुछ कहने की बात कही जाए तो आप बिल्कुल हिंदी शेर व शायरियों के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं और बहुत सारी ऐसी गणतंत्र दिवस की देशभक्ति शेर व शायरियों के माध्यम से आप अपनी एक पहचान बना सकते हैं। मंच संचालन और मंच में शायरियों के माध्यम से आप अपनी अलग छवि बना सकते हैं और कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं। सबसे पहले स्टेज पर जाएं और व्यवस्थित खड़े होकर स्टेज के सामने, माइक के सामने आए हुए सभी जितने भी छात्र हैं उनका एक अभिवादन करें कि गणतंत्र दिवस के इस मुबारक मौके पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस मुबारक मौके पर मैं अपने दिल की आवाज़ यही है और यही कहना चाहता हूँ कि आन देश की शान देश की देश की हम संतान हैं, कि आन देश की शान देश की हम संतान हैं। तीन रंगों से बना तिरंगा यही हमारी जान है, यही हमारी जान है। कुछ ऐसी शेर व शायरियाँ हैं कि जो आप कह सकते हैं, तो बिल्कुल उन सबसे पहले पंक्तियों को अपने दिमाग में रखें और जब भी स्टेज में चढ़ें तो अपने डर को वहाँ पर समाप्त करें और जो कहना है आपको व्यवस्थित तरीके से कहना है, बहुत स्पीड से नहीं कहना है, एक लय में कहना है, एक अच्छे लहजे में कहना है आपको। जैसे इस प्रकार कि मैं अपनी दिल की बात भी रखना चाहूँगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने भी छात्र हैं मेरी इन पंक्तियों पर प्यार दीजिएगा, अपने दिल की बात कहने जा रहा हूँ। आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, कि आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है, जिनका लहू इस देश के काम आता है। बहुत सारी ऐसी हिंदी शेर व शायरियाँ हैं गणतंत्र दिवस की देशभक्ति की शेर व शायरियाँ हैं जो आप संबोधित कर सकते हैं आए हुए जितने भी छात्र हैं, दर्शक हैं, अभिभावक हैं और आप अपनी एक नई पहचान, नई छवि के रूप में भी जाने जा सकते हैं। और भी बहुत सारी देशभक्ति शेर व शायरियाँ हैं, वो कुछ इस प्रकार से: आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे, कि आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे, और जब तक लहू की बची रहेगी हमारे शरीर में एक बूंद, तब तक भारत माता का आँचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माता का आँचल नीलाम नहीं होने देंगे। और कुछ बहुत सारी ऐसी शेर व शायरियाँ हैं जैसे इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं कि इन बात को हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और जिस तिरंगे की हिफाजत की है हमने अपना लहू देकर, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना, सदा अपने दिल में बसाए रखना। बहुत सारे ऐसी देशभक्ति शेर व शायरियाँ हैं, जब आप कहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और जैसे जैसे आप अपनी बात माइक के माध्यम से लोगों को संबोधित करते जाएंगे आपको भी एक मोटिवेशन मिलता जाएगा और हेजिटेशन, जो डर है, वो भी समाप्त होता जाएगा धीरे धीरे और आगे अपनी बात को रख सकते हैं। कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, आओ लहराएं ये तिरंगा हम सब मिलकर, क्योंकि ये नशा हमारे हिंदुस्तान की शान का है, ये नशा हमारे हिंदुस्तान की शान का है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं और बातें पसंद आई हो तो शुक्रिया, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, आपको मदद देगा कि आप अपनी बात को स्टेज में कैसे, किस प्रकार से लोगों के बीच रख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।